नमस्कार, जयवंत दास्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रतापगढ़ जिले के अलनौद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी अलनौद मंडल के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश जोशी के चित्तौड़ लोकसभा सीट से विजय होने पर मंडल अध्यक्ष बालूराम डांगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से ढोल के साथ रैली निकालकर बस स्टैंड पर फटाखे फोड़कर व मिठाई एक दूसरे को खिलाकर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर प्रदेश ओबीसी मोर्चा मीडिया प्रभारी नरेंद्र गिरी गोस्वामी, मंडल महामंत्री मुन्नालाल डांगी, केशुराम मीणा, संजय शाह उपाध्यक्ष, विशाल जैन युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, रवि पंडा सरपंच, प्रतिनिधि उदयलाल मीणा, अल्पसंख्यक मंडल अध्यक्ष शमशेर खान, कोषाध्यक्ष मुकेश पाटीदार, मनीष कोठारी, नरेंद्र शर्मा, प्रकाश प्रजापत, गोपाल मीणा, कांति लाल मीणा, प्रेमचंद मीणा, अमरू डांगी, युवा नेता राम सिंह डांगी, कांतिलाल मीणा एवं कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलनौद से पवन धाकड़ की विशेष रिपोर्ट। माता की, अरे माता की, चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से माननीय श्री सीपी जी जोशी साहब के ऐतिहासिक जीत की हम सब यहाँ आतिशबाजी कर खुशी मना रहे हैं और आम जनता जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, उसके लिए क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और कार्यकर्ता दुगनी मेहनत के साथ अब फील्ड में हम डटेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का परचम इस क्षेत्र में और इस देश में पुनः फहराएगा, हम इसी कामना करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे भारत वर्ष में एनडीए के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इसी क्रम में लोकसभा में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने रिकॉर्ड ऐतिहासिक मतों से 3,90,000 वोटों से विजय हासिल की है। इसी क्रम में प्रतापगढ़ विधानसभा में हमारे कैबिनेट मंत्री हेमंत जी मीणा के नेतृत्व में 52,000 वोटों से विजय हासिल की। 13,000 वोटों से अनुरोध मंडल से हमने सीपी जी जोशी ने विजय हासिल की। इस बात को लेकर हम सभी मंडल पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में खुशी है व हम जनता जनार्दन व आम कार्यकर्ताओं मीडिया बंधुओं का सभी का हार्दिक स्वागत व आभार व्यक्त करते हैं। यस, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री हेमंत जी मीणा के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े लोकसभा का और हमारे मंडल से लगभग 13,000 वोट से जीते और पूरी विधानसभा से 51,000 वोट से लीड ली और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर हमने और हमारे सीपी जोशी को लोकसभा में भेजा। जय हिंद, जय भारत।